यहाँ पर इस वीडियो में प्रोजेक्ट मैट्रिक्स का जो लेटेस्ट अपडेट है इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7S डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 14 के साथ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स 10.6.2 का जो अनऑफिशियल बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर 5th जुलाई 2024 का जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 14 के साथ, एंड 4.19 कर्नल के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। ये जो बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है जीएप्स अवेलेबल है, अलग से आपको प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से होम स्क्रीन के साथ यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है विजेट्स का जो सपोर्ट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है यहाँ पर जो लाइट थीम एंड डार्क मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बाकी जो ओपेसिटी वगैरह है उसे भी आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ब्राइटनेस परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर पावर मेनू के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को भी रिबूट कर सकते हो। वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, हॉटस्पॉट काम कर रहा है। हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक्सेस यूज कर सकते हो। डार्क मोड एक्सट्रीम का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डेफिनेटली अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, ये चीज ध्यान में रखना होगा। बाकी यहाँ पर ऑन द गो का जो फीचर से ऐड किया गया है जो कि काफी सही है, तो कुछ इस तरह से ऑन द गो का जो फीचर से यहाँ पर काम करता है। बाकी अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ भी परसेंटेज का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक स्टाइल है उसे कस्टमाइज किया है, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के साथ जो है यूआई देखने को मिल जाएगा। इसे भी आप अगर आप चाहो तो कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ऐप ड्रॉयर के साथ कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है सही देखने को मिलता है। कोई भी लैग वगैरह हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। काफी फास्ट आप जो है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हो। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम काम कर जाएगा। यहाँ पर एपर्चर कैमरा को भी ऐड किया गया है। फोटो वीडियो एंड क्यूआर कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। एफएम रेडियो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। हेडफोन को आप कनेक्ट करके आप जो है सिंपली एफएम रेडियो को यूज कर सकते हो। डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है यहाँ पर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर जेमिनी एआई भी यहाँ पर काम कर जाएगा। कोई भी इशू का हमने नोटिस नहीं किया है। एंड कुछ इस तरह से रिकॉर्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, इसलिए आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को यहाँ पर हमने रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 451 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। 3D मार्क के साथ जो कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलेगा। गीकबेंच 5.5.1 के साथ 277 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1471 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर सिंगल कोर के साथ जो है एवरेज से कम स्कोर देखने को मिल गया है। मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है। तो यहाँ पर गीकबेंच 5 के साथ कुछ इस तरह से स्कोर है, एंड 3D मार्क के साथ जो कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिल गया है। अगर बात करें यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, सेटिंग्स मेनू जो है कंप्लीटली यहाँ पर कस्टमाइज हो गया है। यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू कंप्लीटली चेंज हो गया है, एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। बटन्स के साथ जो है यहाँ पर पार्शियल स्क्रीनशॉट को क्लिक करने का ऑप्शन है। पावर मेनू के साथ भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर पावर मेनू के साथ भी आप जो है सिंपली कॉल को यहाँ पर बंद कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो पावर बटन, इसे लॉन्ग प्रेस करके फ्लैशलाइट को एनेबल कर पाओगे। एंड वॉल्यूम बटन के साथ भी डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर पाओगे। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो है अलग अलग क्लॉक स्टाइल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इवन जो फॉन्ट वगैरह है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। डेप्थ वॉलपेपर का ऑप्शन है। यहाँ पर बैटरी इन्फो प्लस लॉक स्क्रीन के साथ जो वेदर को ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन, रैपिड एनिमेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन से पावर मेनू को डिसेबल भी कर सकते हो। प्लस
लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन काउंट का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, इवन लॉक स्क्रीन से क्विक सेटिंग्स पैनल को हाइड करने का ऑप्शन है, डुअल टोन थीम का ऑप्शन है, जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो ओपेसिटी वगैरह है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो आइकॉन है ऐड किया गया है, यहाँ पर ब्राइटनेस परसेंटेज का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स पैनल का जो स्टाइल वगैरह है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस जो है लेवल वगैरह को हाइड करने का ऑप्शन है, वर्टिकल लेआउट, कॉलम्स, रो को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, एनिमेशन स्टाइल एंड जो डेटा यूजर्स है उसका जो ऑप्शन है, वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट साउंड का भी यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, इवन जो वॉल्यूम पैनल का जो स्टाइल वगैरह है उसे भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है वॉल्यूम परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस जो यहाँ पर वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है उसे आप जो है वॉल्यूम पैनल को आप जो है लेफ्ट साइड में भी शो कर सकते हो, प्लस वॉल्यूम पैनल टाइम आउट का ऑप्शन है, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल रूटिंग, वाइब्रेट ऑन डिसकनेक्ट का जो फीचर से ऐड किया गया है। सरस बार के साथ सरस बार आइकॉन, क्लॉक स्टाइल, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, डेटा डिजेबल आइकॉन, यहाँ पर 4G आइकॉन का ऑप्शन है, बैटरी, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर, नोटिफिकेशन काउंट का ऑप्शन है, प्लस नोटिफिकेशन आइकॉन को भी कस्टमाइज कर सकते हो, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, बैटरी बार, डबल टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, सरस बार के साथ ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर मोनेंट सेटिंग्स, यूआई स्टाइल, नेविगेशन बार स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन, चार्जिंग एनिमेशन, फुल स्क्रीन एप्स का ऑप्शन है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन एंड स्मार्ट पिक्सल का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोजेक्ट मैट्रिक्स 10.6.2 के साथ। एंड यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप सिंपली रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड ये जो वीडियो है कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, कोई भी लैग, कोई भी इशू वगैरह आपने नोटिस नहीं किया है, कनेक्टिविटी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलता है, सभी जो फीचर्स वगैरह यहाँ पर काम कर जाएगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट मैट्रिक्स 10.6.2 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन यूआई है काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, तो लॉक स्क्रीन को भी आप कंप्लीटली जो है कस्टमाइज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर जाएगा, सिंपली यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी फास्ट है।